आज के दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप का बखान ना किया तो फिर क्या किया। आइए आपको माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूरी जानकारी देती हूँ। माँ कुष्मांडा के स्वरूप में इनमें कमंडल, तीर कमान, शहद का कलश, चक्र, गदा और कमल का फूल है इनके हाथों में। इनकी आठवीं जो भुजा है इसमें माला है और शेर पर सवार है माँ। तीर कमान, चक्र, गदा दुश्मनों का नाश और सेल्फ डिफेंस के लिए है। शहद का कलश लंबी आयु के लिए, भक्तों की लंबी आयु के लिए और अच्छी सेहत का वरदान है। माँ कुष्मांडा बेसिकली भक्तों को अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान करने वाली देवी हैं। रोग, शोक और विनाश की मुक्ति के लिए माँ कुष्मांडा की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से आयु, यश, बल और बुद्धि मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर अंदर यानी कि सन के अंदर माना जाता है। सूर्य पर भी इनका शासन माना जाता है। माँ की प्रसन्नता के लिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बता रही हूँ। इससे पहले आपको ये बताऊँ, आपको बताती हूँ कि सूर्य कमजोर है तो कैसे अशुभ फल आपको मिल सकते हैं। तो फोर्थ नवरात्र के दिन आप सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर जाकर गरीब लोगों को गुड़ दे सकते हैं, पीतल का सामान ले सकते हैं, गेहूं का आटा दे सकते हैं, लाल मिर्ची का दान कर सकते हैं। जब भी मौका मिले तो आप मंकीज को गुड़ जरूर खिलाएं और साथ साथ लाल चींटियों को आटा खिलाएं। आटा भूनकर चीनी के साथ खिलाते हैं। विष्णु जी की उपासना करना भी बहुत अच्छा रहेगा। डेली सूर्य को अर्घ देना चाहिए, संडे का फास्ट रखना चाहिए, मुंह में मीठा डालकर और पानी पीकर घर से निकलना चाहिए और सूर्य के बुरे प्रभाव हैं तो अपने आप अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।